कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक पहला अध्याय। श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवश्री नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रोलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकी नाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महत्व की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से आप कभी भी मुझसे विमुख ना हो। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुण पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुण में घोर संग्राम हुआ और गौ लोक में भी गरुण जी गौओं से युद्ध किया। गरुण की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गांव ने भी क्रोधित होकर गरुण पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत, जप नहीं किए हैं, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पूर्ण कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पूर्ण कर्मों को विस्तार पूर्वक बताता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञात देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य एवं देवी, इन सबकी पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक दंत, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता हूँ।
जब वे दोनों विमान पर गरुण होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगे। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति वरुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु उपरांत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हो तो स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधों की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक वो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल प्रतिस्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। दूसरे जब तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रत का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न।
प्रसन्न हुए। आप लोगों को मेरी कहानियाँ कैसी लगी?